मेरा जो किरदार है उसमें मैं अक्षय कुमार के बेटे का दोस्त बनाऊं, और मेरे जो उसमें पिता बना ऑन स्क्रीन पिता वो उसमें पुलिस ऑफिसर है। 5 नवंबर को रिलीज हुई रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी में बाल कलाकार के रूप में चिरकुंडा के तालजंगा हाउसिंग कॉलोनी के निवासी 10 वर्षीय अर्णव श्रीवास्तव ने अभिनय किया है। अर्णव ने बाल अभिनेता के रूप में अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में काम किया है। इससे पहले वो दर्जनों हिंदी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव लगा, इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अजय देवगन, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह अहम रोल में नजर आ रहे हैं। अर्णव की मां ने बताया कि अर्णव ने बचपन में देर से बोलना शुरू किया, लेकिन स्कूल और अन्य संवाद कार्यक्रमों में सदा अव्वल रहा, और इस छोटी सी उम्र में एक्टिंग में ड्रामा में रुचि देखकर हम दोनों ने अर्णव का साथ दिया और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के साथ आज अपने बेटे को काम करता देख रहे हैं। जिस समय मुझे पता चला कि ये अक्षय कुमार के साथ शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप सच पूछिए तो फर्स्ट टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। और ये 2 साल पहले की बात है, छठ के टाइम ही हमारे टिकट्स हुए हुए थे घर आने के लिए, और उस टाइम जब हम लोग को ये बोला गया कि इनका शूटिंग का जो डेट है वो अक्षय कुमार के साथ है, तो पहले तो दुख हुआ कि हम छठ में घर नहीं आ पा रहे हैं। पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप रोहित शेट्टी देख लीजिए, अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार अभी नंबर 1 स्टार है माने जाते हैं, उनके साथ बेटे को काम करने का मौका मिल रहा है। बस छठी मैया की कृपा थी, 2 साल पहले इन्होंने शूटिंग करी 5 नवंबर को 2019, ऐसा डेट हुआ कि पहली बार इन्होंने शूट करी, और सौभाग्य देखिए हमारा कि 5 नवंबर 2021 को हम इसकी मूवी फर्स्ट शो फर्स्ट डे देखने गए। अर्णव के पिता वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। अर्णव की माता शिवांगी श्रीवास्तव और पिता मुकेश श्रीवास्तव फिल्म को लेकर बेहद खुश हैं। अर्णव में टैलेंट बहुत पहले से था, और जब स्कूल में गया तो अव्वल नंबर था अपने पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो साथ साथ इन्होंने एक्टिंग और ड्रामा के लिए काम कर रहे थे, तो और सारे डायरेक्टर वगैरह आए और इनका ऑडिशन वगैरह लिया, तो उसमें यह अव्वल नंबर आया। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, उसमें ये पास हुआ, और फिर एक ब्रेक थ्रू मिला इसको। इसके साथ साथ ये और भी डिफरेंट धारावाहिक जो डेली के चलते हैं उस पर और डिफरेंट एड्स में भी काम किया है, और मुझे लगता है ये शुरुआत है इसके लिए और अच्छा ब्रेक थ्रू है आगे के लिए, शायद उम्मीद करते हैं और बेहतर करेगा। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।